इस दुनिया में हो सकता है आपको वो ना मिले जो आप चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिश हो, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जो आप डिजर्व करते होंगे। और इंसान उतना ही डिजर्व करता होता है जितनी उसकी वैल्यू होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बाजार जाएं और आपके हाथ में 100 रुपए का नोट हो, तो अगर आप ख्वाहिश करेंगे कि 1000 कीमत वाली चीज आप उस 100 रुपए वाले नोट से खरीद लें, तो क्या कोई भी दुकानदार आपको वो देगा? वो कभी भी नहीं देगा। आप चाहे कितनी भी ख्वाहिश कर लें, आप नहीं खरीद पाएंगे। आपको उतनी ही कीमत वाली चीज मिलेगी जितनी वैल्यू आपके हाथ में मौजूद नोट की है। तो इस दुनिया में भी आपको उतना ही मिलता है जितनी आपकी वैल्यू होती है, जितना आप डिजर्व करते हो। जो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, वावेला करते हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, कुदरत ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे कम मिला है, दूसरों को ज्यादा दे दिया गया है, वो सब झूठ बोलते हैं, ड्रामे करते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। कुदरत हमेशा आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से ही देती है। मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम डिजर्व ही नहीं करते, इतना हासिल करने की तुम्हारी औकात ही नहीं। दौलत, इज्जत, शोहरत किसी को प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। इसकी जड़ों में लोगों ने अपना खून दिया होता है, पसीना बहाया होता है। एलन मस्क, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, एक दिन में सिर्फ 6 घंटे सोता है, बाकी टाइम वो काम करता है। बिल गेट सुबह 5 बजे उठता है और हम 10 बजे तक सोए रहते हैं, और अगर उठ भी जाएं तो किसी काम को करने का दिल नहीं करता। कितने ही स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि उनका पढ़ने को दिल नहीं करता, वो क्या करें? मोबाइल देखने को दिल करेगा, खेलने को दिल करेगा, दोस्तों के साथ घूमने को दिल करेगा। दिल नहीं करेगा तो पढ़ने का नहीं करेगा, काम करने का नहीं करेगा, मेहनत करने का नहीं करेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसका नुकसान कर रहे हो? किसी का नहीं, सिर्फ अपना खुद का टाइम ही बर्बाद कर रहे हो। ये दुनिया तो हर एक पर हंसने में लगी हुई है, हर एक का मजाक उड़ाने में लगी हुई है, हर एक को नीचा दिखाने में लगी हुई है। यहां पर किसी को तुम्हारी क्या परवाह? यहां पर अपने लिए तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं। आपका पैशन आपके अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका पोटेंशियल आपके अंदर है। जो भी आप बनना चाहते हो वो सब आपके अंदर है। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो बस कुछ कर दिखाने की, कर दिखाने के जज्बे की। कामयाबी का फार्मूला यही है कि कामयाबी उस काम को करने से मिलती है जो करने को दिल नहीं करता। सुबह उठने को दिल नहीं करता तो फिर भी उठो, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता तो फिर भी निकलो, वर्कआउट करने को दिल नहीं करता फिर भी करो, पढ़ने को दिल नहीं करता फिर भी पढ़ो, काम करने को, मेहनत करने को दिल नहीं करता फिर भी मेहनत करो। तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, और जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा दिल तुम्हारे काबू में आ जाएगा, वो तुम्हारी बात मानने लगेगा और तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुलने लगेंगे। शुरू शुरू में तुम्हें यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम मुश्किल मिजाजी से कोशिश करते रहे तो ये सब तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। अगर तुम्हारी ख्वाहिशें बड़ी हैं, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को उनके लायक बनाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। दुनिया में ऐसा कौन सा कामयाब शख्स है जिसको मेहनत किए बगैर ही सब कुछ मिल गया हो? बिल गेट्स सुबह 5 बजे उठता है, मार्क ज़करबर्ग 5:30 बजे उठता है, जेफ बेजोस सुबह 6 बजे उठता है, और दुनिया का फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो सुबह 4 बजे ग्राउंड में होता है। अगर ये सब लोग इतना अमीर होने के बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम अमीर होने के लिए मेहनत करने पर क्यों राजी नहीं हो? अभी वक्त है, अपने आप को बदल लो,
अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, बदल लो अपने आप को। फिर अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।